फाइनली गाइस हमने बर्फ ढूंढ ली कुर्फी में। गाइज हम आए हुए हैं कुफरी शिमला से काफी ऊपर। और गाइज कल वाले ब्लॉग को हमने यहीं पर ही एंड किया था क्योंकि गाइज वो वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, तो उसके आगे का पार्ट अब यहाँ से देखना गाइज। और गाइज इस वाले ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि गाइज अब हम कूदने वाली राइड में जाने वाले हैं, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा और भाई बहुत ज्यादा डर भी लगा था। तो गाइज व्लॉग को पूरा देखना एकदम लास्ट तक, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइज जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चलो गाइज सबसे पहले इस वाली राइड में जाने वाला है हमारे टूर का एजेंट अजय भाई, मेरा बड़ा भाई। चलो भाई इसको देखते हैं इसको कितना डर लगने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे। चलो भाई इसको ज्यादा एक्साइटमेंट है ना जाने की, चलो इसको देखते हैं। और गाइज जिसने इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाओ देख लो, उसके बाद इस वाले व्लॉग को देखने में मजा आएगा। ये फुर्ती देख रहे भाई की फुर्ती, रे रे लला आराम से अभी अभी बल्ला लगे भूपाई सिस्टम के बीच में है। क्या लग रहा है, डर लग रहा है उसको। रुक जा चुप रहो उसकी बातें सुनो। कूदेगा ना बता दियो मेरे को, मैं जूमिंग हटा दूंगा ठीक है। पीठ के बल कूदने जाए ना बता दियो, कूदने वालों मैं जूमिंग हटाऊंगा ठीक है। कूद रहा है ठीक, कूद तो गाइस अजय कूद गया और भाई इसको तो बिल्कुल भी डर ही नहीं लगा। और भाई बहुत लोग तो होते हैं भाई वहीं पर ही बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मैं पीछे लौट के आ जा रहा हूं पर कूदूंगा नहीं। चलो भाई अब बारी आती है अजय के दोस्त की शिवा। चलो भाई इसको देखते हैं इसके अंदर कितना दम है, इसको डर लगे या नहीं। चलो भाई चढ़ जा, अरे वो तो बाद में पता चलेगा बाबू भैया, आगे तो बढ़ो। ये बोन मीठा पी के गया बंदा, फिर उसकी हालत खराब हो गई थी मगर ऐसी गया था वो भी बहुत सही। तू तो बहुत एक डेढ़ मंजिल सुमित देख ले ऐसी बनाई हो मेरी वीडियो तो कूदूंगा क्यों नहीं। कूद कूद जा कूद जा, उसको भेज दे सिप पे, भेज दे ऊपर रस्सी। और भाई ये भी कूद गया, इसके अंदर तो दम है भाई, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और भाई अब बारी आती है सुमित की। चलो भाई ये बंदा ना अपने आप को बहुत ही ज्यादा बलवान समझता है, चलो देखते हैं इसके अंदर कितनी दम है, ये कैसे कूदेगा। जा सुमित आज तेरी दम देखते हैं, तेरे अंदर बहुत दम है ना, चल कूद के दिखा। वाकई में डर लग रहा है, आ जाओ अभी तो बस इतने में ही हवा निकल गई। जब कूदेगा तो क्या होगा बाबू भैया तुम्हारा। अब नहीं जाइए आगे, इसको तो खतरे वाला है। वो बंदा तो कूद ही नहीं रहा था, वो तो 10-15 दिन तक 15 मिनट तो वहीं बैठा था। हाँ हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, पटन दबने के बाद भी चिल्ला पकड़ लो रोप दोनों हाथ से, चिल्ला नहीं जाएगा भाई, जाना है आगे से। मैं डर नहीं लग रहा, ओ डर लग रहा से उसको कर कूदो। पकड़ लो रस्सी दोनों हाथ से, बस हवा निकल गई। क्या रहा था नहीं जाएगा ये, अबे कूद पत्थर मार दूंगा खोपड़ी फट जाएगी। मुझे पता तो नहीं जा रहा है, अबे कूद जा भाई कूद। चलो भाई साहब ये भी कूद गया भलवान आदमी, पर भाई इसकी फटी बहुत ज्यादा थी।
चलो भाई अब बारी आती है मेरी, अब देखते हैं भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा। मैं जा रहा हूँ नीचे, अब देखते हैं मेरी कितनी फटी। ये ले ये देखिए गाइस, नीचे जाना है इसे। इधर से आना, वहां से ब्लैक ब्लैक आ रही है। चुप हो जा यार, पूरी नहीं आएगी ना यहाँ से। चलो गाइस जा रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है। खतरे में खिलाड़ी बनने पकड़ना है। अभी तो ऐसे जाने ना, अरे कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारा भाई हमारा पता चल जाएगा हमारा क्या है। ठीक है कुछ नहीं हो रहा, जब नीचे जाएगा। टोटल इतने दूर गया है, बैठ जा। और गाइस ये वाली वीडियो दूसरे कैमरे से देखो मेरी। पता लग गया रिएक्ट, पता लग गया रिएक्ट। रोहित रोहित तो गाइस भाई मैं उस वाले पे झूला जिपलाइन पे, भाई जब लास्ट में कूदा ना कसम से बता रहा हूँ फटके 64 हो चुकी थी मेरी भाई, मैं बता नहीं सकता, कूदने का मन नहीं कर रहा था, आंख मीच करके कूदा था। ये बंदा तो झूला ही नहीं, ये इसकी यार मैं फिर गिरूंगा। भाई साहब बहुत तगड़ा सीन था, एक तो हाथ सुन्न हो रखे थे ठंडे यहाँ इतनी, ऊपर से कूदने का दिल भी नहीं कर रहा था, कूदा ना भाई हलक में प्राण आ गए थे। वो अमर डायलॉग मैं भूल गया था वहाँ पे, अमर वो वाला डायलॉग गाइस भूल गया था भाई साहब। और गाइस अब मेरे पीछे देखो वहाँ पर स्नो है हो रही भाई। गाइस यहाँ का व्यू देखो गाइस, देखो और ये देखो स्नो, ये जो पिघल गई गाइस सारी, तो यही बची है थोड़ी मोड़ी। और ये भी, और ये देखो पुराने घर, आज से लगभग पता नहीं कितने साल पुराने हैं, मेरे को नहीं पता, पर जो भी है मस्त है। और गाइस ये वाला व्यू तो बहुत खतरनाक है, उसके ऊपर जाएंगे गाइस, उसके ऊपर खतरनाक ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। चलो भाई यहाँ पे बहुत स्लिप हो रहा है गाइस, ये यहाँ मैं दो बार गिर गया। ये देखो गाइस ये भी आइस है, ये हैं, ये भी बर्फ है। और गाइस जिस पे हम इतनी देर से चल रहे हैं ना भाई, ये भी बर्फ है गाइस, ये जो मिट्टी लग रही है ना आपको, ये बर्फ है। ये देखो गाइस अभी पिघला के दिखाएगा, ये मेरे को भी नहीं पता था, इसने जब दो उंगली रखी ना फिर वो पानी बन गया, ये देखो गाइस। हाँ वो भैंस की, ये बर्फ है। हाँ तक दो मिनट के लिए पिघल जाएगा वो। उबे भाई बर्फ ये साला आइस है रे बाबा, गाइस ये बर्फ है, ये जब इस पे फिसल रहे हैं हम। ये देख मैं दिखाऊंगा बर्फ, ये ठीक है, ये देखो गाइस खोज करी हमने, देखो गाइस बर्फ खोज करी है, खोज मिट्टी से लग गई है सारी बर्फ, साला ये आइस है इसलिए स्नो, इसलिए ज्यादा फिसल पा रहे हैं इस पे। हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ भाई,
ओ भाई व्यू और गाइस सामने का नज़ारा बहुत ही तगड़ा था। और भाई हमें फाइनली बर्फ़ मिल भी गई। ये देखो गाइस कितनी सारी है यहाँ पर। चलो भाई यहाँ पर दो चार फोटो खिंचवा लेते हैं क्योंकि गाइस ठंड तो यहाँ बहुत ज़्यादा है पर स्नोफॉल्स हुई नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ बहुत ही कम है। नहीं तो भाई ये पूरा एरिया ढक जाता पूरा बर्फ़ से, 6-6 फुट ऊँची बर्फ़ जम जाती है यहाँ पर। चलो भाई जितनी बर्फ़ है उतने में गुजारा कर लेते हैं। और भाई सामने का व्यू पे तो नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा। देख रहे हो गाइस कितना तगड़ा नज़ारा। भाई मन तो कर रहा है यार पूरे दिन बैठते बैठते इसे ही देखता रहूँ। और भाई साहब यहाँ पे ठंड पता है कितनी है गाइस, -6-7 डिग्री टेम्परेचर है। फाइनली गाइस हमने बर्फ़ ढूंढी ली कुर्फी में, कुछ भी हो तो भाई ये रही बर्फ़। और भाई काले बादल हो रहे हैं, कहीं आइस ना पड़ने लग जाए। सुनो भाई बादल देखो घूम रहे हैं, डेंजर है ये तो, क्या है बर्फ इसको कहते हैं। और गाइस पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे का व्यू देखो गाइस, कसम से बता रहा हूँ गाइस बहुत हाइट है। फोन निकाल अबे खोपड़ी पे देख ले, सब बैठ जाओ, बर्फ है तेरी को। अरे गाइस मजा आ रहा है, मजा भाई साहब बहुत ऊपर है अभी हम आए। अब हम वापस कैसे जाएंगे और रात होने वाली है क्या? ऑक्सीजन लेवल कम है थोड़ा। हाँ यहाँ सांस बहुत जल्दी फूल रही है गाइस, सही बता रहा हूँ भाई दोस्तों, यहाँ पर सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। ऐसे ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं बंदे, देख रहे हो देखो लेट लेट के, मतलब बर्फ देख क्या ली, प्यार कर लिया उससे। और भाई ने ठंड भी लग रही है पर इन्हें लेट लेट के फोटो भी खिंचवानी है, देख रहे हो गाइस। और गाइस ये मैंने स्लोमो बनवाया था बर्फ फेंकते फेंकते, ये देखो गाइस। और गाइस इसके बाद मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई थी, पावर ऑफ हो गया था, तो भाई मैंने दूसरे फोन से वीडियो बनाई थी। ये देखो हमारे ड्राइवर का कॉल आ रहा है, वो हमें पिकअप करके गया था ना, मतलब छोड़ कर गया था सुबह 10 बजे। और भाई हम यहाँ पर शाम के 4 बज गए हैं आई थिंक, और भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, हाथ पैर सब सुन्न हो गए हैं। और भाई तुम्हारा क्या सीन है? पैर दिखा, पहले अपने पैर दिखा, देख सबके पैरों पर जम गई अच्छे से। कहाँ जम गई? लग गई है वो। हाँ। और गाइस पीछे का व्यू देखो गाइस, ये तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, कसम से बता रहा हूँ। ये देखो गाइस टॉप पर, एकदम टॉप पर मौसम खराब हो रहा है। और यहाँ पर ना थोड़ा खराब हो रहा है, कह रहा मौसम खराब हो रहा है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, मेरे को लग रहा है ऑक्सीजन लेवल हल्का सा कम है यहाँ, करने पड़ेगा यहाँ पे लेवल कम है, तो वो तो उनकी आदत है ना यार। चलो चलते हैं भाई, हो भाई गिर जाएंगे, बता रहा हूँ 3 बंदे गिर गए वहाँ पे, रिकॉर्ड करना भूल गया। कौन कौन गिरा है? एक पिछवाड़ा देगा, अपना पिछवाड़ा देगा ये, और एक हाथ देगा, ये हाथ लग गई क्या देगा, टूट गया क्या? बहुत दर्द हो रहा है यार। और ले लो गाइस ये मिट्टी लग रही है, पर बता एक सीन दिखा रहा हूँ तुमको, देखो उंगली लगाई, उंगली लगाई, ये तो पानी साला मिट्टी नहीं, धोखा है गाइस ये धोखा, ये देखो पानी मिट्टी नहीं है गाइस, ये बर्फ है। सनसेट फ्रंट से जाता है, बैक से जाता है, तो क्या लगा जोर से गाइस थक गए हैं। मैं तो ले भाई मेरी ना बहुत ज़्यादा सही से है, फिर ही बना दूँ तू चलते चलते बहुत सही। और भाई यहाँ पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे अंदर दम नहीं बची थी भाई, बहुत ज़्यादा सांस फूल ली थी, इसीलिए भाई ये दोनों पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं मेरे को। गाइस ये नहीं चढ़ पा रहा रोहित, इसकी गिर गई है, ये गिरता हुआ आया रास्ते में से, इसको दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गया भाई, कसम से बता रहा हूँ, ऊपर से बहुत ज्यादा चढ़ाई है, अब चाय पी रहे हैं, मेरे तो चलने की दम भी नहीं बची थी, मैं तो कह रहा लगता है यहीं पे बैठना पड़ेगा, क्या कर चाय बन रही है, चलो भाई चाय रेडी होगी उसके बाद चलेंगे, हमारा घोड़े वाला भी इंतजार कर रहा है, है? हम जा रहे हैं अपने घर वापस दिल्ली, दिल्ली यहीं से, यहाँ से चलाएंगे, मार देंगे की बार में लाइट पकड़ेगा यहाँ से, ऐसे चलो सारे चुप जाएंगे, अबे बेल तेरा रहा सांड बैल है, आज मुझे सांड के ऊपर बैठ सांड टाइम ही नहीं है। ये क्या बोल दिया सांड भैया, कह रहे सांड के ऊपर बैठ जाओ, गाइस देख रहे हो सांड के बात तो सही है, सांड तो आएगा
हम भी आएंगे साउंड मान के ऊपर नहीं बैठा यार, पर हम बैठेंगे नहीं हम। चलो गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने घोड़े छोड़े थे, तो भाई हमारे को वापस जाना है यहीं से ही उन्हीं घोड़ों पे, 500 रुपए में ऊपर आना और जाना, 500 रुपए में था एक बंदे का। तो चलो भाई साहब अब चलते हैं वापस से नीचे अपने घोड़ों पे। और गाइस अब हम बैठने वाले घोड़े में, कल तक आना चलते आराम से घोड़े में। ये रहा हमारा घोड़ा पीछे, अभी हमारा घोड़ा वाला ऊपर चला गया है, ऊपर नहीं मतलब ऊपर बैठा है। घोड़ा हमारे पास ये रहा, हट जाओ। ये घोड़ा नहीं है गधा है, यो बंदा घोड़ा नहीं है गधा है, वो गधा है, ये रहा घोड़ा। हम सब घोड़े हैं, ये बीच वाला, ये बीच वाला गधा है, ये बीच वाला, हां गधा। अरे मजे ले भाई, छोटा मजे ले रहे हैं गाइस। ये हमारी गैंग का ना, ये हमारी गैंग का सबसे समझदार आदमी है। चलो गाइस हमारे घोड़े वाला बंदा आ रहा है, हमारा घोड़े वाला आ रहा है, आ गया। सबसे पहले आगे घोड़ा कौन सा जाएगा, मेरे को सबसे पहले वाले पे बैठ। कहाँ है, बुलाओ से आगे वाले को, आगे वाले को मेरे ऊपर बिठाना उसे, जो मेन घोड़ा उसे। चलो भाई हमारा एक बंदा बैठ रहा है घोड़े पे, लड़ रहे हैं, पहले मैं बैठूंगा। चलो भाई साहब एक बंदा बैठ रहा है और सबके पिछवाड़े गंदे हो रखे हैं क्योंकि भाई सब एक एक बारी सब गिरे हैं वहाँ पर। चलो भाई अब मेरी बारी आ गई है बैठने की, मैं सबसे आगे वाले घोड़े पे बैठूंगा जो हमेशा आगे चलता है। चलो भाई साहब इस पे बैठूंगा मैं। गत्ता वत्ता तोड़ दिए, मेरे को क्या कर रहा है, ले मेरे भाई, उसको ज्यादा कोई लाड़ा नहीं, वो डरता है घोड़ा देखना, पटक कौन सा ये वाला, वो वाला पटक देगा, पटक देगा। अरे डरता है, मेरे पटक देगा, उल्टा सुनते यार। चलो चलो गाइस तुम्हारा भाई बैठ गया है, सबके लोग निकालो भैया, दिखाना स्टार्ट कर दे गाइस। सब बैठ चुके हैं अपने अपने घोड़े पे, ऊपर कर ये सारे भाई हमारे बैठ गए हम घोड़े पे, और हम आ चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, पूरा का पूरा देख लो, कम मत देखना। हम सारे के सारे बैठ रहे हैं और वो अजय भी बैठ रहे हैं वहाँ पे। अबे अरे पटक नहीं ला मेरे को, बैठ गए तभी तू आके देखियो। चलो गाइस अब आ चुका है मेरे पास कैमरा, अब आएगा ना मजा हमारा घोड़ा भाई। इसे नहीं मेरे भाई, इसको पकड़ना है, जान जाता है ये, समझदार है ये घोड़ा। रोकिए रोक जा, तो वाइट मेरे भाई समझदार। चलो राखी हुआ गौरी निकल। अरे अरे गौरी ने तो क्या कर दिया। चलो ये वो फंस गया वो पीछे, उसका मेरे पे बच जाता है, उसका फंस ही जाता है। गाइज इस फोन का थोड़ा कैमरा बेकार है ना, इसलिए ज्यादा हिल रहा है ये, मेरा वाला ऑफ हो गया ना, तो गाइज इसी से ही बनानी पड़ेगी अब, तो देख लो। अरे कुछ नहीं हो रहा, डरो मत, चिल्लाओ मत, आराम से, कॉन्फिडेंट है। और गाइस यहाँ देखो कितनी गहरी खाई है, अगर यहाँ टपके ना तो भाई सीधा टिकट कट जाएगी। ओए 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 ये क्या करवा रहे हैं, अरे घोड़ा बाबू कहाँ जा रहे हो तुम। अरे भाई गाइस मेरा घोड़ा देखो यहाँ चल रहा है, और भाई यहाँ देख रहे हो कितनी गहरी खाई है, वहाँ देखो सनसेट, एंड ये हमारा घोड़ा है, ये सुमित का घोड़ा है। मेरे को इस घोड़े पे कोई बताया तुमने, ये बता ले चलो हैं इस घोड़े पे इस वाले में डालते ये ना भगा देना एक बार हट मैंने लगी मेरा भगवान आदम यहां भगवान गौरी भाग ये हमेशा मार गौरी है पीछे वाले बंदे को लो। अरे ऐसे भगवा हो ना यार, भाग ही नहीं रहे तो। अब देखो अब खाली आ गया, ठीक है अब सारे आ गए बराबर में, ठीक है। ओ भाई ये खाई में नहीं कुदा दे, वो डर लग रहा है।
वो मेरा वाला घोड़ा अंधा है, मेरे को पता चला मैं तो बैठता ही नहीं इस पे। पूरी दादा ओ भाई खाई है इस पड़ा क्या करके मारेगा रे गौरी धीरे गौरी गौरी लेके जाएगा मेरे को गिराएगा ये गिराएगा ढक 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 अब भगाओ अब भगाओ टक्कर करवा दो कबरू कबरू यू कैन डू इट भाई बहुत ठंड पड़ रही है और ये गौरी बहुत तेज भाग रही है ये गबरू है गबरू हॉस्पिटल पहुंचा देगा मेरे बिना अरे 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 धीरे धीरे भाई भाई अरे भाई भाई गो 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 कविता ओ भाई 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 धीरे राखी हुए ओए ओए रॉकी रॉकी धीरे ओ रॉकी ओ बहुत करते असली मजे तो भाई घोड़ी वाले ने मजे ले भाई बढ़िया बहुत बढ़िया पैर में जाता भाई हैं पैर में जाता है देखना पैर में केजीएफ है ये रॉकी है केजीएफ का ये बोल रहे हैं कि पेड़ में चढ़ जाएगा अरे कोई दिक्कत नहीं चढ़ जाएंगे दो हम भी चढ़ जाएंगे साथ में हमें डर नहीं लगता वाह रॉकी रॉकी धीरे रॉकी सबकी फटी है फटी है सबकी फटी है ये रॉकी है दबदबा फैला रखा है भाई ने बड़े भाई वो तो ऊपर ही लेगा ना कितना लेगा नीचे क्या अरे भाई रुका भी नहीं ले गया देख रहे हो गाइस ये टक्कर लग गई है टक्कर रोकी भाई कोटा टूट गया बैक बैक कर भाई कोटा टूट गया हो नहीं रहा बैक नहीं हो रहा कोटा टूट गया मेरा भगाओ उसे भगाओ रॉकी गो रॉकी गो रॉकी ब्लॉग बनना है छोटी यस गाइस बहुत मजा आ रहा है रॉकी में बैठ के केजीएफ का रॉकी है भाई ये बहुत तेज भागता है सबको पीछे चल रहा है सबको एक नंबर के वाला रोहित छोटी तो आगे घूम रहा है फिर धोखा चलो तेरी हड्डियां तोड़ रॉकी आगे टक्कर मार दी फिर तो टक्कर मार दी कोई दिक्कत नहीं रॉकी है रॉकी है रॉकी आज हमारे साथ ले जा रहा है गांव हमारे घुमाने के लिए हमें ये हमारा घोड़ा भाई कभी भी तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा भाई घोड़ा खरीदेगा ना रॉकी जाते खरीदेगा आज रॉकी है इसका रॉकी देखो रॉकी क्या है फिर सवारी रॉकी है रॉकी है क्योंकि तुम्हारा भाई रोहित अमर है अमर यहाँ तो फट रही है वीडियो करना है लेके जाएगा काई देख रहे हो गाइस अरे अपुन को डर नहीं लगता आग लगा दी गाइस रॉकी ने ये तो ये घोड़ा एक नंबर भाई ये एक नंबर का ना चीता घोड़ा आई नहीं है ये मेरा घोड़ा लो ले साला लो ले ये तो टट्टी है सबसे नंबर वन और गाइस ये गबरू भाई ये अपना रॉकी है ना शेर है भाई ये शेर वास्तव में स्मार्ट है भाई ये स्मार्ट देख रहे गाइस स्मार्टनेस रॉकी स्माइल प्लीज भाई रॉकी सारे घोड़ों को पीछे कर दिया इसने भाई ये रॉकी एक नंबर की जीत है गाइस चलो बहुत तगड़ा कहाँ चल गबरू उतर रहा हूँ मैं जॉब सिर्फ चार मिनट ठीक है चला भाई मजा आ गया गाइस फुल फुल मजा आ गया से मिलवाते हैं अपने अपने रॉकी से बड़े भाई पूरे न जाना घोड़े के बीच गाइस ये हमारा रॉकी है बाहर ही आ गया मैं कहां आ जाऊं जाओ यहां से ऊपर के जाओ बड़े चलो हां मैं उतर गया घोड़े से तभी नहीं गाइस फुल मजा अरे अरे मस्त थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करना भाई के लिए लाइक कम बनता है हां लाइक तो दबा के करना यार इनका रॉकी एक नंबर का है घोड़े पे तो
रॉकी बाय बाय भाई। रॉकी एक नंबर की चीज है गाइस, जहर रियल बर्फ तो पूरी यहाँ है, यहाँ बर्फ है यार, यहाँ कैसे जाएंगे। अबे कहीं जा रहा हूँ बाहर खड़ा यार, ये क्या है? खत्म से बता रहा हूँ, ये नजारा देख के ना मेरा दिल नहीं भर रहा है। कैमरे में वो बातचीत नहीं है भाई, जो रियल से जो देखने का, कसम से बता रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन गार्डन भाई क्या नजारा है, कसम से बता रहा हूँ गाइस। ऐसे में गाइस हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आ गए भाई हम, जो भी था बैग है ना अपने पास। घोड़े ने मजाक करा ना, घोड़े ने असली मजा, असली मजा तो घोड़े ने दिया, तो घोड़े पे आए हैं। गाइस वहाँ पर मेरा फोन ऑफ हो गया था और भाई अभी यहाँ पर बिल जुड़ा जा रहा है। क्या डायलॉग मारा था दोबारा दोबारा, सूखे सूखे कौन सा डायलॉग मारा था अभी, बिल जोड़ करके सूखा लोट उड़ रहा भाई साहब। और गाइस वहाँ पर मेरा साला पता है, वहाँ पर हम गए थे राइडिंग में, वहाँ सूखा नोट उड़ा, सूखा 2,000 की पत्ती लगी है एक बंदे की, 2,000 की 2,000 की पत्ती मतलब भाई। सुबह से हम भाई वहाँ गए थे हम, अबे रुक जा भी, अबे रुक जा देख। तो गाइस ये हमारा डिनर आ चुका है, हमने होटल उनसे बोल दिया था, तो भाई उन्होंने 15 मिनट में डिनर ला दिया। भाई उन्हें पता है ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसीलिए मैं रुक जा भाई हम भी हैं सारे, तू नहीं सुधरेगा दुनिया सुधर जाएगी, ये बंदा नहीं सुधरेगा। तो चलो भाई जल्दी से खाते, नहीं तो मैं वीडियो बनाते ही रह जाऊंगा, ये प्लेटें सफा हो जाएंगी। चलो गाइस, और गाइस नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही तगड़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस हम बहुत ही ज़्यादा दूर गए थे शिमला से। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और गाइस लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस कल आने वाला है ये वाला व्लॉग। चलो गाइस बाय बाय।